तो मित्रों स्वागत अभिनंदन करता है बिजी फंडा अपने इस नए वीडियो के अंदर, जहां इस केस स्टडी सीरीज के अंदर हम बात करेंगे एक और नई कोई केस स्टडी के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन का समय बंधा हुआ है और उसके साथ साथ आईपीएल का नशा भी सबके ऊपर छाया हुआ है, लेकिन बहुतों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, कॉलेजेस बंद है, सिनेमा हॉल्स बंद है, लेकिन आईपीएल क्यों नहीं है बंद, और क्या ये इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर या नहीं, करता है तो कितना करता है, क्या ये जरूरी है करना, वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों ऐसा है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईपीएल से पहले बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, और जब से बीसीसीआई ने आईपीएल को इंट्रोड्यूस किया तब से ये 3500 करोड़ का टैक्स ये अकेला ही भरता आया है 2009 से। और दोस्तों सच बताएं कि एक्चुअल मनी जो है वो ना स्पॉन्सर से आती है, ना ऑक्शन से आती है, ना टीवी से आती है, वो पूरे इकोसिस्टम से आती है, यानी भेलपुरी वाले भैया से लेकर स्टेडियम तक ऑटो पहुंचाने तक का वो सारा इकोसिस्टम आईपीएल की रेवेन्यू में मर्ज होता है। और इसीलिए बनता है आईपीएल एक ग्लोबल इवेंट जहां वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को देखने लोग उमड़ते हैं, जिससे टूरिज्म का भी इंट्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। 3500 करोड़ से सिर्फ मैंने एक अजम्पशन लगाई है, ये नंबर उससे भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन 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 दोस्तों अब बात आती है कोरोना वायरस के अंदर। जब आपकी कोई टूरिज्म प्रमोट नहीं होगी, ग्राउंड पे कोई ऑटो वाला आपको छोड़ने नहीं जाएगा, भेलपुरी वाला किसी को भेलपुरी नहीं देगा, तो कहां से इतना रेवेन्यू मिलेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, अब तक जो 3500 करोड़ की मैं बात करता था, अब वो बिजनेस 45000 करोड़ का बिजनेस मॉडल बन चुका है, और पिछले साल की घटनाओं को तो भूल ही नहीं सकता आईपीएल। तो इसी कारण एक नया बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ जो बना के देगा 45000 करोड़ तक, उसमें से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो होते हैं, जो इस साल मिला है स्टार इंडिया को, जो कि देगा 3300 करोड़ रुपए बीसीसीआई को फॉर ऑफिशियल टीवी और ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, जैसे कि हॉटस्टार। और वहीं जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, तो वहां स्टार इंडिया को मिलेंगे 440 करोड़ वीवो, जो कि टाइटल स्पॉन्सर है, और अपस्टॉक्स देगा उन्हें 280 करोड़। ड्रीम इलेवन, अनअकैडमी, टाटा मोटर्स, क्रेड, ये सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स मिला के ये देंगे। तो अगर ये सब आपको मिल रहा है तो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसका जरिया होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो स्टार आपको टीवी पे दिखाता है वो एक ह्यूज बोनस के रूप में उन्हें मिलता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिक तो स्टेडियम्स में नहीं जा सकती, लेकिन घर पे जो पब्लिक है वो एड जरूर देखेगी, तो एक ह्यूज व्यूअरशिप का बोनस उन्हें मिलेगा। जहां पर एडवर्टाइजर्स जो होंगे वो अजम्पशन है कि 14 लाख रुपए तक खर्च करेंगे हर 10 सेकंड के स्पॉट पर, जिसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लगाएं हम तो 3800 करोड़ आता है। बात करें अगर दोस्तों टीम स्पॉन्सर्स की, तो टीम कहां से अर्न करेंगी ये पैसा। टीम अर्न करेंगे 600 करोड़ सिर्फ उनके स्पॉन्सर्स से। जी हाँ दोस्तों, जो टीम के टी शर्ट्स पे आप लोगोस देखते हैं वो 600 करोड़ तक है, और उसके साथ साथ बीसीसीआई भी अपना 50% रेवेन्यू टीम्स के साथ शेयर करता है। अब बात करें दोस्तों टिकट सेल की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑडियंस तो देखने नहीं जा सकती इस साल का आईपीएल, तो जो भी टिकट सेल होगी वो 10% काटी जाएगी 400 करोड़ के तौर पे हर टीम के रेवेन्यू से, तो ये भी एक तरीके का नो लॉस सिचुएशन पे आ चुकी है। और फिर अंत में दोस्तों बात करें मर्चेंडाइज की, तो दोस्तों 135 करोड़ के मर्चेंडाइज सेल होते हैं, जो कि सेल हुआ 2019 में, ये करके दिखा देगा। दोस्तों ये सब तो मैंने सिर्फ एक आंकड़े बताए हैं, जो रिजल्ट आता है वो सच में माइंड शॉकिंग, ब्लॉकिंग सब कुछ होता है। तो अगर आप अगली बार टीवी पे बैठ के अगर आईपीएल मैच देख रहे हैं और ये कह रहे हैं अपने आप से कि इनको क्या मिलेगा ये सब करके, ऑडियंस तो जा ही नहीं रही है, तो ये कैसे कमाएंगे बेचारे, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखा देना। और हाँ एक और बात, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, जैसा कि हम जानते हैं कि इतने ज्यादा पैसे रेवेन्यू अर्न करता है आईपीएल, तो उसका कुछ हिस्सा एज अ टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में ऐसा बड़ा इवेंट हो जिससे गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा फंड पहुंचे। तो अगर आप ये भी सोच रहे हो कभी कि सब कुछ बंद है लेकिन आईपीएल चालू है, तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ पसंद आया हो, कुछ ना पसंद आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। और इस चैनल को अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ आप सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सपोर्ट होगा एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन का बटन, और लाइक तो शायद आप कर ही देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।